ओके सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. अभी तक हम लोगों ने इस वाले पूरे चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी. रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगी कितनी इफेक्टिवली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हिट करते हैं. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि व्हेनेवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज द फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो जैसे आपने पॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन करा था तो पॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन में हमने बोला था कि साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कोलाइडिंग वो हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द पॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. अब इसका मतलब कि कोई भी अगर एक रिएक्शन होनी है तो उसमें मॉलिक्युलैरिटी और कोलिजन्स दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके. अब कोलिजन्स जो है, कोलिजन्स का मतलब पता है ना क्या होता है? एक दूसरे के साथ बम्प करना. जैसे आप बिलियर्ड्स खेलते हैं, या चलो बिलियर्ड्स गर्ल्स को अगर नहीं पता है, या पता भी है तो बहुत ज्यादा गेम के बारे में नहीं पता है, तो आप छोटे होते वो खेलते थे मार्बल्स, कंचे. ठीक है. सो उसमें आप क्या करते हो कि एक जो मार्बल है उसको आप दूसरे मार्बल से हिट करते हो, उस मार्बल की पोजिशन चेंज हो जाती है. राइट. दैट इज नोन एज कोलिजन. जब कोलिजन होती है किसी भी चीज में तो पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. ओके. सो व्हेन वी टॉकिंग ऑफ कोलिजन्स वी टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट अ टर्म व्हिच इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं बाय जेड. राइट. सो ये क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसीज? इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड. ठीक है. एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स होती हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये बहुत हाई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारी कोलिजन्स होती है. लेट्स से दैट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज एनीथिंग बिटवीन 10^10^20. So 10^20 अगर हम लोग देखें तो इट इज अ ह्यूज नंबर. इतनी सारी कोलिजन्स हो रही है. अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इतनी सारी है तो इट इज बट ऑब्वियस की सारी रिएक्शंस बहुत फास्ट होनी चाहिए क्योंकि इतनी तेज तेज कोलाइड कर रहे हैं. पुराने बॉन्ड्स फटाफट टूटने चाहिए, नए बॉन्ड्स फटाफट बनने चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट्स शुड बी इमीडिएटली फॉर्म्ड. जैसे हमने रिएक्शंस को क्लासिफाई करा था इंटू थ्री. One was instantaneous reaction, the other was intermediate reactions, and the third one was very slow reactions. But practically it is seen ki reactions jo hote hain, they are mostly slow. Theek hai? To slow reactions kyu hue? Iska matlab ki in sare collisions mein se, sirf kuch collisions aise hain, jo ki reaction ko progress karne mein help karte hain. Un collisions ko hum kya bulate hain? We come to the second term, effective collisions. Okay, so effective collisions kya hui? The actual collisions which bring about a reaction. तो इस कोलिजन्स जो 10^10 या 10^20 कोलिजन्स हैं, उसमें से कुछ एक मुट्ठी भर कोलिजन्स हैं जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ को लेके जाता है, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं. अब कोलिजन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए देयर आर टू बैरियर्स. व्हाट आर दोज बैरियर्स? द फर्स्ट बैरियर ओवर हियर दैट इज द एनर्जी बैरियर. ठीक है. एनर्जी बैरियर में हम क्या बोलते हैं? वी से दैट एवरी कोलिजन शुड पोजेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
टू बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, और वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी. सो दिस इज अ वन मार्क का क्वेश्चन. राइट डाउन थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है. थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecules must possess so as to break the chemical bond. So अगर collisions threshold energy acquire नहीं करते तो वो पुराने bonds को तोड़ नहीं सकते और collisions जो है वो effective नहीं होती, ठीक है. Second जो barrier है that is known as orientation barrier. Orientation barrier. अब पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल्स जो टूटे हैं सेपरेट हुए हैं रिएक्टेंट से तो उनको अब प्रोडक्ट्स बनाने हैं. जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो दोनों अपकमिंग मॉलिक्यूल्स या जो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए. मींस दे शुड बी ओरिएंटेड इन सच अ मैनर कि कोलिजन इज हेड टू हेड, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल, they are coming together and they are colliding like this, then the new product will be formed. But if one molecule, अगर एक का मुंह इधर है और दूसरा टेटा होके बैठा है कि मुझे बात ही नहीं करनी तो कैसे bond बनेगा, नहीं बन सकता ना. So orientation has to be proper. So these are the two criterias which make collisions effective. Number one, which is the threshold energy, and the second, which is known as orientation barrier. Depending upon this, the collision theory was proposed. Okay. Now, what is this collision theory? Is collision theory ke kuch postulates hai. The first postulate is that for the reaction to occur, there must be collisions. किसके बीच में collisions? Between the molecules. ठीक है, जब तक molecules collide नहीं करेंगे तब तक reactants products में convert नहीं हो सकते, ठीक है, पुराने bonds टूटेंगे नहीं. Then second, only certain fractions, या आप लिख सकते हो only effective collisions effective collisions are responsible for a reaction. ये भी हमने पढ़ लिया, right? And third, effective collisions के लिए कौन से barrier cross करने पड़ेंगे? For effective collisions, two barriers that is first कौन सा था, energy barrier and second is the orientation barrier has to be crossed. ठीक है, so ये तीन जो है they are the postulates of collision theory. A fraction of effective collisions, हम यहां पे बोल रहे हैं कि ओनली इफेक्टिव कोलिजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिएक्शन. तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. नंबर वन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी,
which is equal to z, and number two, fraction of effective collisions which is denoted by F. ठीक है, so अब अगर हम rate of a reaction को express करना चाहें, तो rate of a reaction क्या आ जाएगा? हम बोल रहे हैं कि rate of a reaction is depending upon the collision frequency z, and it is also depending upon the fraction of effective collisions. So mathematically हम लोग क्या कर सकते हैं कि rate हमें पता है that is equal to dx upon dt और d into concentration of a upon dt. ठीक है, and that is mathematically given as F into Z. जितनी effective collision ज्यादा होंगी उतना ही rate ज्यादा होगा. ठीक है, और जितनी collision frequency ज्यादा होगी उतना ही rate ज्यादा होगा. Right, clear हो गया. अब ये जो rate of a reaction है, जब हमने chapter शुरू किया था factors affecting rate of a reaction, तो उसमें हमने एक बहुत ही important फैक्टर किया था विच वॉज टेम्परेचर, एंड वी ऑल्सो स्टेटेड कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, से 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ब्रिंग्स अबाउट डबल इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके, सो उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले नेक्स्ट सेक्शन में. सो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर. Stated that with increase in temperature, with every 10 degree increase in temperature, the rate of the reaction doubles. ठीक है, तो उसके लिए एक expression दिया जाता है, which is temperature coefficient. Temperature coefficient इसको हम लोग denote करते हैं by theta, and mathematically this theta that is equal to rate constant at T plus 10 degree centigrade upon rate constant at T degree centigrade. ठीक है, so this is what theta is. Why the question now comes कि क्यों temperature जब increase हो रहा है तो rate of reaction क्यों increase हो रहा है? एक जो रीजन हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले वो ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन्स भी इंक्रीज होगी. पर सिर्फ कोलिजन्स के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो इट इज प्रैक्टिकली सीन कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है 10 डिग्री से, सो सिर्फ 3% इंक्रीज इन कोलिजन्स टेक प्लेस, बट वी आर टॉकिंग ऑफ डबल ओवर हियर, सो देयर मस्ट बी समथिंग हैपनिंग कि टेम्परेचर इंक्रीज पे सडनली रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया. उस पे हम क्या बोलते हैं कि देयर वाज अ ग्राफ व्हिच वाज गिवन बाय मैक्स बोल्ट्जमैन, जो कि एक्सप्लेन करता है हमें द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ कोलिजंस या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पोजेसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो मैक्स बोल्ट्जमैन का जो ग्राफ है मैक्स बोल्ट्जमैन ने एक ग्राफिकल स्टडी करी बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी. ठीक है, एंड द ग्राफ दैट कम्स टू लाइक दिस at a certain temperature, let's say T degree Celsius. Okay, ये जो peak यहाँ पे हमें शो कर रही है, यहाँ पे ये जो peak हमें शो कर रही है, that is the most probable kinetic energy जो कि molecules possess करते हैं. यहाँ से आप ऊपर की तरफ को जाओगे तो fraction of molecules बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस side को जाओगे तो fraction of energy बढ़ रही है. तो ये वाला जो point हुआ, that is the fraction of molecules possessing most probable kinetic energy. ठीक है, अब आप देख रहे हो इस
ग्राफ के अकॉर्डिंगली बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जीरो एनर्जी है, इजंट इट, और बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत हाई एनर्जी पे. मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एट इंटरमीडिएट एनर्जी. ठीक है, लेट्स से कि दिस इज अ पोर्शन जहां पे एनर्जी हाई हम बोल रहे हैं कि दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस हाई एनर्जी. ओके, और अगर हाई एनर्जी होगी तो दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी लार्जर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो सिर्फ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच आर केपेबल टू शो इफेक्टिव कोलिजन्स. ठीक है, विच आर केपेबल टू शो इफेक्टिव कोलिजन्स. अब क्या किया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. लेट्स सी ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है. सेम वी आर टेकिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन दिस एक्सिस एंड वी आर टेकिंग एनर्जी एट दिस एक्सिस. ये हमारा ग्राफ था एट 3 डिग्री सेल्सियस, राइट. जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और यहां से भी जो ग्राफ है हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैट हो गया. ठीक है, ये चला गया. ठीक, इसको बहुत लंबा मत करो, यहीं तक करो, राइट. अब ये वाले ग्राफ जो था, मतलब ये वाला जो एरिया था, इस एरिया के अकॉर्डिंगली ओनली दीज आर कैपेबल ऑफ शोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स. अब आप देखो कि जब टेम्परेचर हमने 3 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये जो हमारा एरिया है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. फर्स्ट द एरिया वॉज दिस, ओके, लेट्स सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई एंड लेट्स से दिस इज एफ. तो फर्स्ट जो एरिया था जो इफेक्टिव कोलिजन्स ला रहा था दैट वाज ए बी सी डी, राइट. फिर उसके बाद जो एरिया इफेक्टिव कोलिजन्स लेके आ रहा है दैट इज बी सी एफ ई. दिस इंटायर एरिया हैज द केपेबिलिटी टू शो इफेक्टिव कोलिजन्स. तो एरिया ऑलमोस्ट डबल हो गया ना, ओके, बिकॉज एरिया ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है. हैव यू अंडरस्टूड दीज ग्राफ्स, ओके. फिर उसके बाद हमारे पास एक और आपका न्यूमेरिकल वाला टॉपिक आता है, आर्हेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. आर्हेनियस इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. अब आर्हेनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे दिया. ये तो हमने जो मैक्स बोल्ट्जमैन का पढ़ा वो एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है, राइट. और हमने ये भी बता दिया कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसलिए जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच आर केपेबल ऑफ हैविंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी वो बढ़ जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है. इसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया आर्हेनियस ने, अकॉर्डिंग टू हिम रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू ए ई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट. वेयर के ओवर हियर, ये भी आपको वन मार्क का क्वेश्चन आता है, के दैट इज द rate constant, A is another constant which is known as Arrhenius factor, or it is also known as frequency factor. ठीक है, and EA over here
और दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ 8.314 एंड डी इज द टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज द आर्हेनियस फैक्टर. नाउ दिस सॉरी आर्हेनियस इक्वेशन, ये जो आर्हेनियस फैक्टर हम लोग बोल रहे हैं, बिकॉज इसको हम एक्सपोनेंट से पहले लगाते हैं, तो इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बुलाते हैं. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. और जो ए है एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इनको टुगेदर हम आर्हेनियस पैरामीटर्स बुलाते हैं. तो अगर ये बार बार का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग आर आर्हेनियस पैरामीटर्स, ए है या ई है या बोथ है या नन है, सो देन इट इज गोइंग टू बी बोथ. ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको डाल देते हैं उसमें. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी, क्या हुआ, इट इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड पजेस सो एज टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच द रिएक्टेंट्स शुड पजेस सो एज टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. अब इस तरह से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉज व्हाट विल बी गेट, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. अगेन वन मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर आर्हेनियस इक्वेशन, तो उसमें आपने ये वाला भी देना है और वो वाला भी देना है, दोनों देने हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर इज दैट वी आर नाउ गोइंग टू कंपेयर टू सेपरेट रिएक्शंस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो दोनों की के और के टू की वैल्यू जो है, मतलब के की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू, उसको हम लोग लगाते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, बिकॉज लॉग ऑफ ए फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. ओके, so if we are taking two separate reactions, two separate or yeah two similar reactions at different temperatures, at different temperatures, ठीक है, so वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, द अबाव रिलेशनशिप चेंजेस टू लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन, लॉग ऑफ ए दोनों में हट जाता है, इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. ठीक है, सो इससे इस वाले रिलेशन से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट अदरवाइज द न्यूमेरिकल्स दे आर डायरेक्ट सिंपल होते हैं, बट ओनली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें. ओके, सो दिस इज आर आर्हेनियस इक्वेशन. डिपेंडिंग अपॉन दिस न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस लेटर. Depending upon this, we now discuss the concept of activation energy and transition state theory. Concept of activation energy and transition state theory. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि जो एक नया वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ट्रांजिशन. ट्रांजिशन क्या होता है, व्हेन द रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, चेंज. ठीक है, सो ट्रांजिशन स्टेट इज एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट जिसमें जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो भी कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते और नए बॉन्ड्स भी कंप्लीटली
बने नहीं होते. सो एज अ रिजल्ट वी रीच और द रिएक्टेंट रीचेस वन स्टेट व्हिच इज एट हाईएस्ट एनर्जी. ठीक है, अभी जो हाईएस्ट एनर्जी पे जो भी कुछ होता है आपको पता है कि वो स्टेबल कम है. जो एनर्जी ज्यादा हुई तो स्टेबिलिटी कम हो गई ना, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी कम रहती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इमीडिएटली उसका मेन फोकस क्या रहता है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आके बैठे. ओके, सच दैट इट बिकम्स स्टेबल. सो बेसिकली व्हेन एवर एनी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस द रिएक्शन फर्स्ट गोज टू द रिएक्टेंट्स गो टू एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट व्हिच इज एट द हाईएस्ट एनर्जी. वहां पे वो जो भी तामझाम होना है, पुराने बॉन्ड्स टूटने हैं टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनने हैं बन जाते हैं, और फटाफट से ट्रांजिशन स्टेट पे हम स्टेबलर स्टेट पे आ जाते हैं व्हिच इज एट अ लेसर एनर्जी. ओके, सो इन जनरल व्हाट आर वी सेइंग ओवर हियर कि जो ये चीज हम पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. दोनों चीजें हमने पढ़ ली. मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बोन्स, और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो हमने बोल्ट्जमैन के कर्व में पढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, नाउ एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली दिस इज द एनर्जी जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को इफेक्ट करती है. हम बोलते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्शंस आर गोइंग टू बी फास्ट. राइट, लो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शंस आर गोइंग टू बी फास्ट, और अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है देन रिएक्शंस आर गोइंग टू बी स्लो. ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, लेट्स से कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है दैट इज दिस. राइट, एनर्जीज में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स में कोलिजन होती है, एनर्जी इंक्रीज होती रहती है and it reaches an activated state over here jahan pe activated complex banega. So this energy, this is the activation energy. Okay, ye yahan pe bol rahe hain hum ki this is the reactants, these are the products. The difference in energies between the reactants and the products that is equal to enthalpy change, जो कि आपने thermodynamics में पढ़ा हुआ है, delta H which is equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants. ठीक है, so ये जो इतनी सी energy है that is going to be delta H which is enthalpy change of a reaction. Okay, अब दोनों तरफ activation energy रहेगी, forward रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी. तो ये वाली जो एनर्जी होती है दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. राइट, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शंस में भी रिवर्सिबल. ओके, अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए पहले ये वाली पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, है ना. इफ दिस हिल इज स्मॉलर इट विल टेक लेस टाइम टू रीच हियर, एंड इफ दिस हिल इज लार्जर इट विल टेक मोर टाइम. तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है
तो reactions are going to be faster क्योंकि reactants फटाफट products की तरफ को चले जाएंगे and if the activation energy is high then reactions are going to be slow. अब catalyst यहीं पे अपना काम करता है. What does the catalyst do? Basically उसका सिर्फ एक ही काम है कि activation energy barrier को नीचे लाना और activated complex को फटाक से बनाना. ठीक है, जैसे ही activation कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट्स की तरफ. तो कैटलिस्ट हम लोग ऑल्दो सरफेस केमिस्ट्री में हमने डिटेल में पढ़ना है कैटलिस्ट क्या है, पर यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो मेन एक पर्पस या एक ड्यूटी है कैटलिस्ट की दैट इज टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. इज इट क्लियर? फिर अब रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? We have exothermic and endothermic reactions both. Let's say ये जो हमने graph बनाया है इसमें reactants की energy ज्यादा है और products की energy कम है. Reactants is at a higher energy level and products are at a lower energy level ना. Therefore, delta H we are saying is HP minus HR. If the value of HR is greater, then delta H is going to be negative. Okay. So this is an exothermic reaction. For exothermic reaction, you can see that the value of activation energy for forward reaction is less. ठीक है? And the activation energy for backward reaction that is going to be more. Okay? So we are saying that EA forward is greater than EA forward is less than EA backward. So for exothermic reaction, आप graph इस तरह से show करोगे. अगर आपको question आ गया कि exothermic reaction को explain करो with the help of activated complex, तो आपने इस तरह से graph show करना है. फिर बोलना है delta H is equal to HP minus HR. Delta H is negative over here and EA for the forward reaction that is going to be less than EA for the backward reaction. Similarly, हम endothermic के लिए भी एक graph draw कर देते हैं. Endothermic reaction. Now, again we are drawing a similar kind of graph over here. This is energy this is progress of the reaction. ठीक है, अब endothermic के लिए the products are at a higher energy level than the reactants. ये reactants आ गए, ये products आ गए. This is delta H. Okay, this is EA for forward reaction. This is EA for backward reaction. ठीक है, again delta H that is going to be equal to HP minus HR. As the energy of the products over here is larger than HR, therefore delta H that is going to be equal to positive. Right? And EA for forward reaction is greater than EA for backward reaction. Clear? अब अगर आप ये दोनों graphs देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि suppose हम exothermic reaction का temperature increase कर रहे हैं. Okay? So reaction forward direction में जाएगी कि backward में? It will come in the backward direction. ये चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे ईए फॉरवर्ड कम है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? टू रीच द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स विल कम बैक टूवर्ड्स द रिएक्टेंट्स. वेयर एज जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? EA forward is greater endothermic में. जब हम temperature increase करते हैं तो reaction can easily go in the forward direction.
ओके. सो विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर नंबर 4. नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5, वी विल फर्स्ट टू चैप्टर 6 which is general principles and surface chemistry we will do after the completion of that chapter. Okay?